तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5, और इसमें आपको पता है कि आयतन निकालना है। अगली एक्सरसाइज 13.5 का ये पहला सवाल, हम इसमें आयतन निकालना सीखेंगे। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हैं, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। देखिए बच्चों, हमने जो है पिछले लेक्चर में उदाहरण किए थे और उसमें घन और घनाभ का आयतन निकालना सीखा था। हमें पता है घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के बराबर होता है, और घन का आयतन उसकी भुजा का घन के बराबर होता है। माचिस की डिबिया घनाभ होती है और एक माचिस की डिबिया के आमाप दे रखे हैं, तो उसका आयतन निकालना है। सबसे पहली बात यह है कि माचिस की डिबिया के माप, माचिस की डिब्बी के माप, बराबर है 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। तो माचिस की डिब्बी का आयतन क्या हो जाएगा? माचिस की डिब्बी का आयतन, डिब्बी का आयतन, आपको पता है माचिस की डिब्बी जो है घनाभ होती है और आयतन जो है घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यानी LBH। और ये हो जाएगा 4 गुना 2.5 गुना 1.5 घन सेंटीमीटर, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो ये बनता है 15 घन सेंटीमीटर। 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या हो जाएगा? अब 12 डिब्बियों का आयतन निकाल लो, 12 डिब्बियों का आयतन बराबर है 15 गुना में 12, यानी एक डिब्बी का 15 घन सेंटीमीटर है, तो 12 डिब्बियों का कितना होगा? 15 गुना में 12 यानी 180 घन सेंटीमीटर। ये होगा 15 डिब्बियों का पैकेट का आयतन। हमने एक डिब्बी का निकाल दिया और उसको हमने 12 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 15 डिब्बी का। इसके बाद एक घनाकार पानी की टंकी की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर। मतलब आप देखिए, लंबाई चौड़ाई और गहराई अलग अलग है, इसका मतलब ये टंकी जो है घनाभ के आकार की है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसका आयतन निकालिए। लीटर जो है आयतन में होता है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है हम अभी निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो घनाभ की टंकी की लंबाई कितनी है? सबसे पहली बात, टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई मीटर, टंकी की चौड़ाई 5 मीटर और टंकी की ऊंचाई 4.5 क्योंकि टंकी अंदर है, अगर वो बाहर होती तो ऊंचाई और अंदर है तो गहराई, बात एक है। गहराई, टंकी की गहराई जो है 4.5 मीटर, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? टंकी का आयतन घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? एल
गुना बी गुना एच यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ गहराई से है, तो 6 गुना में 5 गुना में 4.5 ये हो जाएगा। और अब आप इसकी गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आएगा ये 135 घन मीटर, क्योंकि आप इसको गुणा कीजिए 6 × 5 = 30, 30 और को 4.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 135 घन मीटर। और एक घन मीटर कितना है, 1000 लीटर के, एक घन मीटर बराबर है 1000 लीटर, इसलिए 135 घन मीटर बराबर है 135 गुना में 1000 यानी कि 135,000 लीटर उसमें पानी आएगा। इसके बाद तीसरा सवाल, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, घनाभाकार बर्तन की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो देखिए घनाभाकार घनाभाकार बर्तन की लंबाई दस मीटर चौड़ाई 8 मीटर, उसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें इतने घन मीटर द्रव आ सके। तो मान लेते ऊंचाई, माना ऊंचाई 8 मीटर बना लेते हैं, तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, आयतन घनाभाकार का आयतन हमें पता है L गुना में B गुना में H, लंबाई है 10, ऊंचाई है 8 और गुना में H, इतने घन मीटर। परंतु कितना चाहिए हमें, 380 घन मीटर चाहिए, परंतु आयतन कितना चाहिए, बराबर है 380 घन मीटर, इतना आयतन चाहिए। और इस फॉर्मूला से निकल रहा है इतना आयतन, इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये आयतन हमारा निकल आएगा। तो इसलिए 10 गुना में 8 गुना में H बराबर है 380, तो आप H किसके बराबर आ जाएगा, 380 बटे 10 गुना में 8, जिससे कट गया 2 से 4 और 2 से 19, 19 बटे 4 यानी कि 4 × 16.75 मीटर, इतना ऊंचा वो बनेगा, तब 380 लीटर उसमें द्रव आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 4, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमने ये गड्ढा जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखा है, और हमने इसका निकालना क्या है, निकालने के लिए यहाँ से देखिए आप 30 रुपये प्रति घन मीटर, इसका मतलब घन मीटर का मतलब आयतन निकालना है। तो गड्ढे की लंबाई देखिए, गड्ढे की लंबाई, गड्ढे की लंबाई 8 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई 6 मीटर, गहराई 3 मीटर, तो गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, इतने घन मीटर। और ये कहता है 30 रुपये घन मीटर की
दर से खुदाई करानी है। ये कितना हो गया 144 घन मीटर। एक घन मीटर खुदाई का खर्च कितना दे रखा है? एक घन मीटर खुदाई का खर्च दे रखा है 30 रुपये। तो 144 घन मीटर खुदाई का खर्च कितना हो जाएगा? खुदाई का खर्च कितना हो जाएगा? 144 गुना में 30, इतने रुपए, यानी कि 0 × 3 = 12, 3 × 12 और 13, 4320 रुपये, 4320 रुपये खर्च होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।